जब से भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य से विशेषाधिकार हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया है, तभी से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर मुद्दे को प्रकाशित करने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे भारत की ओर से भी ये साफ कह दिया गया है कि अब पाकिस्तान के साथ बात सिर्फ पीओके के मुद्दे पर ही होगी और उसे कश्मीर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब भारत सरकार का फोकस पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को वापस भारत में मिलाने पर है। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी शनिवार को एक ट्वीट कर ये दावा किया कि यदि भारत अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को निकालने में अमेरिका की मदद करने का फैसला लेता है तो अमेरिका भी पीओके को भारत में वापस मिलाने में भारत की मदद करेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन पहले ही अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकालने की बात कह चुका है। बता दें कि वर्ष 2001 में तालिबान को खत्म करने की मंशा से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में घुसी थी और पिछले 18 सालों के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बेहद भारी मात्रा में पैसा खर्च किया है। हालांकि उसके बावजूद तालिबान का प्रभुत्व अफगानिस्तान में कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। यही कारण है कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से हमेशा के लिए बाहर होना चाहता है। हालांकि इसके लिए उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो अमेरिका के भरोसे के लायक भी हो और जो अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की हालतों को नियंत्रण करने की क्षमता भी रखता हो। गौर किया जाए तो दक्षिण एशिया में ऐसा एकमात्र देश भारत ही है जो सैन्य और आर्थिक मोर्चों पर इतना सक्षम है। अब स्वामी के दावों के मुताबिक अगर भारत तालिबान के विरुद्ध जंग में अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को भेजता है तो बदले में अमेरिका पीओके को वापस भारत में मिलाने के फैसले का समर्थन कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में लॉबिंग भी कर सकता है। यानी अफगानिस्तान में सेना भेजने के बदले में पीओके के मुद्दे पर अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर भारत का साथ दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा सच होता है तो अनुच्छेद 370 के झटके के बाद पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा और असहनीय झटका साबित होगा। अभी पाकिस्तान की ये पूरी मंशा है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद वह इस पूरे इलाके का चौधरी बन जाए और दक्षिण एशिया में उसकी हैसियत और बढ़ जाए। हालांकि अमेरिका यह बात भली भांति जानता है कि पाकिस्तान ना तो आर्थिक तौर पर इसके लिए सक्षम है और ना ही सैन्य तौर पर। वहीं भारत अगर अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजता है तो अफगानिस्तान के लोगों और सरकार में भारत के प्रति सम्मान और बढ़ेगा और इस देश में भारत को अपने आर्थिक हितों की परियोजनाओं को सफल बनाने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। इतना ही नहीं, अभी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत मदद कर रहा है वह अफगानिस्तान मुद्दे की वजह से ही कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में शांति बहाल की दिशा में भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता है तो अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मदद करने पर मजबूर होना ही पड़ेगा, फिर चाहे वह पीओके को भारत में मिलाने जैसे संवेदनशील मुद्दे ही क्यों ना हो। सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट ऐसे में आया है जब कुछ दिन पहले ही तालिबान ने भारत से भी शांति वार्ता में हिस्सा लेने की गुजारिश की है। ऐसे में सभी को इस बात पर हैरानी हुई थी कि भला तालिबान का शांति वार्ता में भारत को निमंत्रण देने का क्या कारण हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि भारत अब अफगानिस्तान में कोई सक्रिय भूमिका निभा सकता है और अफगानिस्तान में शांति बहाल की प्रक्रिया में एक अहम साझेदार बन सकता है।